तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू योर एकेडमी पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे एनटीपीसी के बारे में। आपकी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है, उसी का चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसी का लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा यहाँ पर। और इसी में जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है एनटीपीसी शोज द वे। अब एनटीपीसी ने एक कुछ तरीके बताए हैं कि कैसे कैसे हम नॉइज पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है उसको, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एनटीपीसी इज अ मेजर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया, मेजर पावर प्रोवाइडिंग, ठीक है। अब एनटीपीसी जो है नॉर्थ थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मतलब कि ये बिजली बनाती है। एनटीपीसी जो है आपकी, ये बिजली बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। और इसने एक तरीका बताया, इसने कुछ तरीके बताए हैं, उन तरीके इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखिए, इन्होंने एनटीपीसी एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया में है। इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेट फॉर ईएमएस। अब इसके पास आईएसओ सर्टिफिकेट है किस चीज का? आईएसओ सर्टिफिकेट है किस चीज के लिए? ईएमएस के लिए। ईएमएस क्या होता है? एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। इसके लिए अब एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट है। द कॉर्पोरेशन हैज अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल्स इन प्लेसेस वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स। अब इस कॉर्पोरेशन ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आया है, जिससे कि ये नेचुरल एनवायरमेंट को और उसके रिसोर्सेज को प्रिजर्व करते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि आपके वाटर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, फ्यूल हो गया। तो इन सब, अब ये नए नए जहां भी प्लांट अपने जो लगाते हैं वहां पर ये लोग क्या कर, ये जो है और कॉर्पोरेशन जो है ये कोशिश करती है कि हम किस तरीके से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और जो रिसोर्सेज है उसको कैसे हम बचाएं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। अब ये कह रहे हैं कि यूटिलाइजेशन इक्विपमेंट्स का कम से कम यूटिलाइज करते हैं और लेटेस्ट टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं, ताकि ये एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स को अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। और अपने जो उनके जो खुद के इस टाइम पर जो भी इक्विपमेंट्स इनके पास हैं उनको अपग्रेड करते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन। वेस्ट जनरेशन को कम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि जो ऐश बन रहा है, जो उस ऐश को भी ये यूज कर सकें, जो भी वहां पर जो राख बन रही है उसको भी ये यूज कर सकें। तीसरा ये कहते हैं प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर अफॉरेस्टेशन। अब ये ग्रीन बेल्ट्स का प्रयोग कर, ठीक है, ग्रीन बेल्ट्स को बनाते हैं, प्रोवाइड अपने जो प्लांट है उसके चारों तरफ कोशिश करते हैं कि ये ग्रीन बेल्ट एक ग्रीनरी रहे, पेड़ वगैरह लगाते रहते हैं, अफॉरेस्टेशन करते रहते हैं। तो ये चीजें अब ये लोग ये करते रहते हैं, कौन? एनटीपीसी। फिर है आपका रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ये क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। कैसे? जो भी ऐश बन रहा है उसको मैनेज करेंगे, जो ऐश वाटर बन रहा है उसको रिसाइकल करेंगे, लिक्विड वाटर मैनेजमेंट करेंगे, ये लिक्विड वेस्ट जो बन रहा है उसको मैनेजमेंट करेंगे। तो इससे क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को ये रिड्यूस करते हैं। फिर है आपका लास्ट, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। अब इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल द पावर स्टेशन। और अपने सारे पावर स्टेशन की जो मॉनिटरिंग है, उनके जो इकोसिस्टम की मॉनिटरिंग है उसको भी ये रिव्यू करते रहते हैं, ऑनलाइन अपने डेटा को, ऑनलाइन डेटाबेस को देखते रहते हैं। ये सब चीजें, ये कहने का मतलब है
ये सारी सारा प्रोएक्टिव अप्रोच ये लगाते हैं। तो इनकी तरह हम भी चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, हम अपने घर में भी रिड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा तेज गाने ना बजाए आसान। और आप देखेंगे आसपास में बहुत सी चीजें फालतू में चल रही होती हैं, तो अगर आपके घर में कोई पंखा वगैरह कुछ फालतू की आवाज कर रहा है, आप उससे भी नॉइस पोल्यूशन को घटा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। आपको यहां तक की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए और भी एनर्जी के साथ में वीडियोस बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।